नमस्कार, आप सभी का SGS एजुकेशन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ईयरफोन्स तो आप सभी यूज़ करते होंगे फ़ोन से गाने वगैरह सुनने के लिए, लेकिन ऐसे में ये चूज़ करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम कौन से ईयरफोन्स खरीदें जिसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी हो, वह मजबूत और टिकाऊ हो। तो ऐसे में आज के इस वीडियो में हम आपको ओरिज़ोन कंपनी के ईयरफोन्स का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाने वाले हैं। तो जब भी आप इन ईयरफोन्स को बाय करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह का कवर मिलेगा। इसके अंदर आपको ईयरफोन्स मिलेंगे। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ज़िप को खोल देते हैं और अंदर आप देखिएगा यहाँ पर हमको क्या क्या दिखता है। सबसे पहले ये है इसका मेन्यू कार्ड, जहाँ पर इसके बारे में बताया गया है, इसका यूज़ बताया गया है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताते हैं। यहाँ पर अंदर ये वापस से पैक हैं, तो हम इनको खोल लेते हैं। यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं कैसे ये ईयरफोन सबसे अलग है। देखिए, हमने यहाँ से इसको अलग कर लिया है। तो देखिए, कुछ इस तरह से आपको ये ईयरफोन्स देखने को मिलेंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ईयरफोन्स ऐसे कैसे दिख रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी क्वालिटी की। तो देखिए, हम आपको ये अलग करके दिखाते हैं। तो इसकी जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हैं किस तरह से है। जो ऑडियो पिन यहाँ पर आपको मिल रही है ये एकदम अच्छी क्वालिटी की है। अब हम बात करते हैं इसके वायर की। तो यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी तरह से प्लास्टिक के धागे से बना हुआ है, यानी कि अंदर की तरफ वायर जा रहा है और ऊपर ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये धागे से बना हुआ है। पूरा जो ईयरफोन्स का आप वायर देख पा रहे हैं ये अलग अलग तरह से अलग अलग कलर के प्लास्टिक के धागों से डिज़ाइन किया गया है। तो ये काफ़ी मजबूत भी है, आपको देखने में भी काफ़ी मजबूत लगेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम डाउन और अप करने का बटन दिया गया है, और यहाँ पर आपको प्ले पुश का बटन दिया गया है। यहाँ से आप कॉल भी अटेंड कर पाएंगे, और पीछे यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रोफोन दिया गया है जिससे कि आप ईयरफोन्स की मदद से बात भी कर पाएंगे। ईयरफोन्स के ऊपर लिख रखा है राइट और लेफ्ट, यानी कि कौन से कान में कौन सा ईयरफोन लगाना है हमको यहाँ पर बताया गया है। कुछ इस तरह से आपको ईयरफोन दिखेंगे। और यहाँ पर मैग्नेटिक पावर है, जो कि यहाँ पर जो ऑडियो पिन आप देख रहे हैं यहाँ पर ये आसानी से चिपक जाता है, यानी कि इन ईयरफोन्स को समेटने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि जो दोनों ईयरफोन्स है यहाँ पर मैग्नेटिक पावर की मदद से आपस में चिपक जाते हैं और आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे। उसके बाद में हम बात करते हैं साउंड क्वालिटी की। तो इससे पहले जो हमने आपको अनबॉक्सिंग और रिव्यू करके दिखाया था, जो ईयरफोन्स थे उनकी जो साउंड क्वालिटी थी वो थोड़ी सी कम थी, लेकिन इसमें अच्छी आ रही है। मैंने इसको ट्राई किया है, साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो यहाँ से ऑनलाइन जो ईयरफोन्स बाय करते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। जी हाँ, और इसकी जो लगभग प्राइस है वो है $15 से $17 के बीच में। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इसकी प्राइस क्या हो सकती है। तो अगर हम इंडियन करेंसी में इसको कन्वर्ट करें तो लगभग ₹1000 तक ये ईयरफोन आपको मिलेंगे। तो अगर आप इन ईयरफोन्स को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप खरीद सकते हैं। और दिखने में तो आप देख ही सकते हैं कैसे ये ईयरफोन्स आपको अलग लगते हैं। और इसका दूसरा इस्तेमाल ये है कि आप इसको हाथ पर भी बांध सकते हैं, जैसा कि इस कार्ड में बताया गया है। देखिए, आपको जूम करके दिखाते हैं, इस तरह से इन ईयरफोन्स को आप अपने हाथ पर भी बांध सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे चैनल का ये छोटा सा अनबॉक्सिंग और रिव्यू पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।